हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर दिस नेट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके मॉडल क्वेश्चन पार्ट 16। तो जितने भी अपलोडेड है देख लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोडेड है केवल टिस नेट के लिए, तो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी तक पीडीएफ को जिन्होंने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, ओनली 399 रुपीज़ का है। जीके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्लस टिल मेरे यूट्यूब वीडियो देखना टिल एग्जामिनेशन तक। तो स्टडी साइड इफेक्ट @gmail.com में मेल कर देना पीडीएफ के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिक्स है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप भी अपना टेस्ट करो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है कि है कि नहीं। तो कौन सा आर्टिकल में दिया, 25 to 28 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, मैंने सिलेबस का भी वीडियो डाल दिया हूं, आप देख लेना जरूर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चन है। रडार इज यूज्ड फॉर रिसीविंग सिग्नल इन ए रेडियो रिसीवर, स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ प्लेनेट, डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग द पोजिशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल एरोप्लेन। तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट आंसर है, डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभी स्टेट से भी क्वेश्चन आते हैं। इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड, तो कहाँ पे है ये, केरला, याद रखना। वाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इंडियन इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू, तो कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्ट होता है, तो हमारा पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसा कि आपको मालूम भी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। कभी कभी फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे या फर्स्ट अवार्ड कौन जीता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसी से मैं उठाया हूँ। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये है जीवी मवलांकर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जामिनेशन में आया है। और इस वीडियो से मैं बता दूं कि आपको अभी भी पता चल गया होगा कि कितना फर्क पड़ता IIFT ZED के सिलेबस से GK का। 30 का सिलेबस बिल्कुल जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप लोग सिलेबस देखते हो सेम वही है GK का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, कौन थे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, पियर डी कोबर्टिन। तो ये सेकेंड नंबर आंसर, ये कोबर्टिन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन बहुत सारे रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, तो ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पे आप ऑप्शन से ही समझ सकते हो। एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, आयरन स्टील इंडस्ट्री, इरीगेशन, फिशिंग, फिशिंग वाटर से रिलेटेड है, तो ब्लू रेवोल्यूशन फिशिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु वाज द राइट ऑफ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया, बहुत ही इजी सा भी आंसर है और इंपॉर्टेंट सा भी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया, राइट ऑफ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, सिंगल सिटीजन, डबल, मल्टी या नॉन ऑफ दिस, तो सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू स्ट्राइक। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन फोर है राइट टू स्ट्राइक, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर भी हम लोग करते हैं स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक। हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इसमें बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं, ये जिन्ना का नाम लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है आंसर। हु वाज द फर्स्ट गिव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, दिए थे मोहम्मद इकबाल ने, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर होगा। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो
और इस तरीके का प्रिपरेशन आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप सिलेबस का वीडियो जब देखोगे तो पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तो सारे ही कुछ है, तो हमें वो सब की तैयारी ज़रूरी है, ठीक है। केवल बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आती है टीसनेट में, जैसा कि बाकी सारे एग्जामिनेशन में आती है, सभी कुछ आता है जीके में। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा।